ये है लाइफ, एक्चुअल लाइफ अगर देखा जाए ना आजकल तो ये है लाइफ, जो नेचुरल लाइफ है इसको जीनी चाहिए। हाँ ये देखिए खा जाती है, अभी कच्ची अभी पक्की नहीं है ढंग से, पर आगे से तो खा गई ना वो अंदर। ये देखिए टेस्ट खा के देख। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी हम मम्मी की जन्मभूमि में, आज हम है लाल सोट के बाजार में सर्किल पे खड़े हुए हैं। तो मैं बचपन में देवी जी के दर्शन करने जाया करती थी, तो आज वो ताजा कर रही हूँ, जाके देखती हूँ कि कुछ चेंज हुआ है क्या वहाँ की लोकेशन। तो चलते हैं देवी जी के मंदिर के दर्शन करने। बिल्कुल, और इधर की मैं बताता हूँ तो ये बताएगी, लाल सोट में रहती है, ये भतीजी है मेरी। नमस्ते। चलिए मजा तो पूरा आने वाला है। देखिए थोड़ा लुक लाल सोट का, बाकी अभी जा रहे हैं और मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है। तो ये आ गए हैं, कौन सी देवी जी का मंदिर है? महाकाल मंदिर। थोड़ा सा यहाँ का लुक भी दिखा दे, पीछे की तरफ पहाड़ वगैरह, ये पूरे जो गांव का एरिया है ये पूरा पहाड़ों से ही ढका हुआ था। तो इधर ये भी चीज अच्छी लग रही है, इधर लाल सोट लिखा हुआ। तो ये काफी फेमस मंदिर है देवी जी का। और उधर जो सामने पहाड़ है उस पे भी वो जो मंदिर है ना ऊपर, वो क्या नाम से है? वो वहाँ भी है ना, वो पहाड़ पे कौन सा मंदिर है, वो शिव जी का ही होगा। हाँ, शिव जी का ही है। तो बाहर का लोग लगा हुआ है, ये सुबह है और शाम को चलता है। तो ये इधर लाल सोट में ही आगे इधर ये फार्म हाउस है, ये काफ़ी ये एक तरह से अच्छा एरिया है। और ये इधर फार्म हाउस ये रहा, मामा का ही है, विनीत मामा का। तो देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ये घर, और ये है इनका यहाँ पे गार्डन। हेलो मामा, हाय नानी। कैसा लग रहा है? मजा आ गया फार्म हाउस। तो आप देख सकते हैं इनका ये कितना बड़ा यहाँ पे एकदम फार्म हाउस है, एकदम सुकून भरी जिंदगी। और वो आपको जो दिख रहे हैं वो है पापा और विनीत मामा। मामा ये किस चीज का पेड़ है? केजड़ी है बेटा, राजस्थान का सबसे बड़ा पेड़ है, मतलब पवित्र माना जाता है इसको, केजड़ी। व्यूअर्स को हाय बोल दो। व्यूअर्स को हाय। वापस गाय भी है, देशी गाय है, देशी गाय का दूध मिलता है यहाँ पे। अभी मामा बता रहे थे, अभी अब बताएंगे सारा, हर चीज यहाँ पर नेचुरल है। बता रहे हैं कि देखो ये गैस, गोबर गैस का, ये गोबर गैस प्लांट है सारा, अपने सिलेंडर, गैस सिलेंडर भी नेचुरल है, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा सोलर पैनल के ऊपर लगे हुए हैं। वी आर टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम ग्रिड पावर हाउस एक्सेट्रा, वी आर गेटिंग ऑल वेजिटेबल्स। लुक एट देयर, लेडी फिंगर्स, बोल सकते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर है। ये भिंडी है, लौकी है, बैंगन है, टमाटर, सारी सब्जियां, मिर्च है, सारी ऑर्गेनिक है। तो ये आप सिर्फ खुद के लिए ही करते हो या फिर आप इनको बाहर भी? के लिए नहीं, बाहर नहीं है, इतना एकदम लिमिटेड है। आराम बनाना है, पूरा बनाना की बड़ी बड़ी बनाने के लिए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाना है। केले आते हैं, खूब बढ़िया केले आते हैं, टूट गए अभी, पक गए थे ना पूरे कंप्लीट। ये खजूर है, वो कटहल है, ये सारे इसके आंवले के पेड़ हैं, बढ़िया आंवला आता है। ये स्वीट कॉर्न है पूरी, अभी आपको स्वीट कॉर्न खिलाएंगे तोड़ के लाइव, स्वीट कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न आती है। हाँ, वो वाली। क्या बात है। ये छप्पर है, फिर इसे हम चूल्हे की रोटी बना के खाते हैं।
जब बढ़िया बारिश आती रहती है तो हम मक्का सेक के खाते हैं, मक्का तोड़ते हैं खेत से और इसको लेकर सेक कर और चप्पल में बारिश से बचा होके रूरल लाइफ इंजॉय करते हैं। नेचुरल लाइफ है कंप्लीट उधर, वो हमारे वाला खेत भी अपना दीजिए वो पूरा, वो जो आप आगे खेत देख रहे हैं वो भी इन्हीं का ही है। बाद में मैंने पर्सनली लिया हुआ था। अच्छा कितने बीघा था? 1 बीघा। अच्छा मम्मी कैसा लग रहा है? अरे मस्त, मजा आ गया। भागदौड़ की जिंदगी को छोड़ के ये है लाइफ, एक्चुअल लाइफ अगर देखा जाए ना आजकल तो ये बहुत मुश्किल है लाइफ, जो नेचुरल लाइफ है इसको जीनी चाहिए। हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ फ्रूट्स, ये मूंगफली है, इसके नीचे खोदोगे तो मूंगफली आओ ना, ये मूंगफली है, ये मूंगफली है, थोड़ा मूंगफली निकाल के निकालना पड़ेगा यार। देखिए मक्का कैसे निकलती है वो पता नहीं है, मूंगफली का नहीं पता कैसे निकलती है, नीचे जमीन इसके नीचे आती है, जमीन के अंदर है वो। अच्छा तो पेड़ को उखाड़। और ये देखिए ये मक्का, ये स्वीट कॉर्न है। अच्छा स्वीट कॉर्न, अमेरिकन स्वीट कॉर्न जो मक्का ही तो हो गया मतलब। ये देखिए खा जाती है, तो ये सब अभी कच्ची है, अभी कच्ची अभी पक्की नहीं है ढंग से, और आगे से तो खा गई ना वो अंदर। ये देखिए टेस्ट खा के देख, एकदम मीठी है। बता वो रही ना वो बड़ी सारी आ रही बीच में, वो बिल्कुल गुंजन वहां का फोक, वो रही विनीत मामा गए ना वो आ रही बिल्कुल पूरी स्वीट कॉर्न होगी, अभी पकी नहीं है, अभी अभी पकने नहीं। ये सारा संतरा है देखो, ये ऑरेंज है, इतना मीठा है जीजी, इतना मीठा है कैसा लगता है जैसे चीनी डाल के लाए, बहुत मीठा अभी पकने का। अभी तो छोटे छोटे हैं। इसको पारस पीपल बोलते हैं। इसमें दाने आते हैं ऐसे मोटे मोटे, उसमें आते में अपने आप छेद रहता है, छेद करने की जरूरत नहीं होती, उसकी माला बनाते हैं। ये बैंगन के पेड़ है, ये मौसमी है, ये पपीते हैं सामने, तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें, एक भी ऐसी कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है तो छूटा हुआ है। अच्छा देख सकते हैं पपीता, जब भी बारिश आती है तो अच्छे पके पके बील टूट के गिर जाते हैं। ये देखिए बील, तो दिख रहा है आम जैसा टेस्ट मिलेगा। कौन सा है बील का पेड़? ये बील है, ये वाला बील का पेड़ है, वो तो पका हुआ टूट गया, पेड़ हो गया ना। हां आम है, आम लग रहे हैं ना, ये लग रहे हैं क्या आम? कैरी लग रही है, छोटे हैं अभी, करीब में आ रहे हैं, अभी आए होंगे मतलब अभी मई जून के महीने में, कैरी नहीं है अभी, वो लग रही थी छोटी छोटी कैरी लग रही है, वो तो इतने से नहीं आ गई, इतने से नहीं आ गई। तो अभी मई जून के महीने में मतलब आएंगे, नहीं आई इनमें। ये आम का जैसे पेड़ है, इसको उगने में कितना टाइम लगता है? तो ये था मामा का छोटा सा घर, फार्म हाउस कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको सारी तरह की वैरायटीज मिलेगी जो कि मैं आपको घुमा चुकी हूँ, बाकी तो हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, तो जल्दी मिलते हैं। कैसा लगा तुझे? बहुत
बिल्कुल अच्छा बोल सकते हैं लाल सोट की शान। यहाँ आगे कैसा लगा, क्या ऐसा मतलब एकदम पीस वाला, सुकून वाला, एक मतलब कहने की एक तरह से वर्ड से नहीं है समझा जा सकता है, यहाँ का लुक देख के, यहाँ का सारी चीजें देख के, अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा है। हाँ वो तो मैं दिखाना भूल ही गई। ये देखिए यहाँ पे इनके बैडमिंटन कोर्ट भी है जहाँ पे ये रेगुलरली खेलते हैं। मेरे को पर्सनली ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है। जो खिलाड़ी उसको तो पहले यही चीज चाहिए। Also, next time जब आएंगे तो इनका इंटीरियर भी काफी अच्छा है घर का, तो आई गेस नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग को कवर करेंगे, अभी हम लेट हुए। जरूर, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारी चीजें सरप्राइज दिखाना, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए। बाकी मामा आप बताइए, आपको कैसा लगा कि हम यहाँ पर आए? बहुत अच्छा, आई वाज वेटिंग वेरी लॉन्ग, इट्स वेरी नाइस। और इसको एकदम रेगुलर रखिए, एवरी 15 डेज 20 डेज में आप विजिट करिए यहाँ पे, तो आपको भी एक नेचुरल होमली फीलिंग आएगी। आप भी आइए कभी।